Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to this NCERT's Decoded series, wherein we are going to today study Delhi Sultans and the Mughal Empire, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire we are going to study. Let's start with the class without any delay. Budget session cover ho chuka hai, to aap wo video uploaded hai, aap dekh sakte ho, right? The budget is also covered, the video is also uploaded on my channel, you can watch it. And the PDF of the classes are daily uploaded on my Telegram channel. The link is given below the video in the description box. And the link is 200% working, okay? So, jo link hai, wo apne mobile ke through open karna, to khul jayega. Telegram app download karne ke baad 200% working hai wo link, right? और जो पीडीएफ है क्लास का वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड हो जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सुल्तान्स, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू आवर माइंड इज, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं कि दिल्ली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बना और कब बना. द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन टू आर माइंड वेन वी टॉक अबाउट दी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सुल्तान्स इज दैट दिल्ली एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वेन डिड इट बिकम एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सो वेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट टेक दी पेन आउट ऑफ दिस. यस, सो वेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, Delhi became a very important city only in the 12th century. 12th century में ही दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी सिटी बनी. एंड दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत. तोमारा राजपूत हुआ करते थे. पहली बार कैपिटल सिटी दिल्ली कब बनी थी? तोमारा राजपूत के किंगडम में, राइट? सो द वेरी फर्स्ट टाइम दिल्ली बिकेम द कैपिटल under the kingdom of Tomara Rajputs. But these Tomara Rajputs were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans, who were also known as Chahamanas of Ajmer. Ab Delhi as a capital city Tomara Rajputs ke under bani thi, kingdom mein bani thi, inke rajyakal mein. But 12th century ke madhya mein hi Chauhans ne inko hara diya, jo ki Ajmer se belong karte the. Okay, so it was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became a very important commercial center. यहाँ से trade भी होने लगा, तो ये commercial center बन गया था Tomaras और Chauhan kingdom के under. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Delhi was a kind of hub. Coins minted here called Delhiwal had a wide circulation. यहाँ जो coins बना करते थे, सिक्के बना करते थे, उन्हें Delhiwal कहा जाता था. Important for prelims. ये prelims के लिए important है. ओके, तो ये विश्व भर में, मतलब विश्व भर में भी इनकी चर्चा थी और भारत वर्ष में भी इनकी पूरी चर्चा रही है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत, वी हैव स्टडीड अबाउट द तोमारा राजपूत. इधर हमने देखा तोमारा राजपूत के बारे में. सो लेट अस अंडरस्टैंड हु वर दीज तोमारा राजपूत. ये समझते हैं कि ये तोमारा राजपूत थे कौन. ऑलराइट, सो आई जस्ट ड्रॉ अ चार्ट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट. आप भी इस चार्ट को बना सकते हो. मैं एक चार्ट बनाने जा रही हूँ अबाउट दी राजपूत डायनेस्टी. दिस चार्ट इज अबाउट द राजपूत डायनेस्टी. अंडर द राजपूत डायनेस्टी द फर्स्ट राजपूत किंग वर दी तोमाराज. राजपूत डायनेस्टी में जो पहले राजपूत किंग थे वो थे तोमाराज. सेकेंड वर अनंगा पाला. थर्ड वर चौहान्स हु डिफीटेड तोमाराज. एंड फोर्थ वर दी पृथ्वीराज चौहान. ओके, सो दिस वाज द सेग्रीगेशन ऑफ राजपूत डायनेस्टी. ये राजपूत डायनेस्टी का सेग्रीगेशन था. ये तो 12th सेंचुरी में ही अपनी रूलिंग करके चले गए. दीज राजपूत रूल्ड टिल द 12th सेंचुरी. बट देन केम द दिल्ली सुल्तान्स. फिर आए हमारे दिल्ली के सुल्तान्स, जिनकी जो राज्यकाल है वो 13th सेंचुरी से शुरू हुआ. दे स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम 13th सेंचुरी. So by the 13th century, the Sultanates transformed Delhi into a capital, right? Sultanate ne Delhi ko apna capital bana liya. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. Map mein you can see, in the map you can also see over here Delhi e khuna, right? Shiri, then Jahanpana. These areas were under the control of sultans. ये sultans के control में था area near Yamuna River. ये आप Yamuna River देख रहे हो, इसी के पास.
Oscars, right? ये दिल्ली का ही मैप है. क्लियर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सुल्तान्स, जब हम सुल्तान्स की बात करते हैं, ऑल्दो द इंस्क्रिप्शंस, द कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, दे ऑल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, फ्रॉम वेयर डू वी नो अबाउट द सुल्तान्स? मतलब सिक्कों को अगर हम देख लें या हम आर्किटेक्चर को देखें तो हमें काफी नॉलेज मिल जाती है कि उस टाइम पे सुल्तान्स किस तरीके से हुआ करते थे या राज करते थे. बट और कौन सी चीजें जहां से हमें नॉलेज मिलेगी? सो दीज आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो सुल्तान्स ने उस टाइम पे अपनी ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज लिखवाई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवाई, वहां से हमें नॉलेज मिलती है अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन. द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मेन, राइट? तवारीख और तारीख आर दी हिस्ट्रीज विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, दे आर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज. अंडरलाइन दिस, दिल्ली सुल्तान्स के बारे की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको हम हिस्ट्रीज बोलते हैं या तवारीख बोलते हैं, राइट? वी ऑल्सो कॉल देम तवारीख. ओके, सो तवारीख वर अबाउट, द ऑथर्स ऑफ द तवारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोयर्स, कोर्टियर्स एटसेट्रा, हु न्यू अबाउट द वर्किंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. These are the four stages in which the manuscripts were written. ये वो चार stages है जिसमें manuscripts लिखी जाती थी, right? You can see over here. Now comes the question, what was birthright? ये birthright का मतलब क्या होता है? Birthright are the privileges claimed on account of birth. मतलब जन्म से जो आपको privileges, benefits मिलते हैं ना, उसे birthright, जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in the family of nobles. राइट right? मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था, हम राजा की फैमिली में पैदा हुए तो हम राजा बनेंगे, हम मंत्री की परिवार में पैदा हुए तो हम मंत्री बनेंगे, इसको कहते थे बर्थ राइट. जेंडर डिस्टिंक्शन, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड मेन वॉज प्रेजेंट. सोशली भी औरत और आदमी के रूल्स, औरत और आदमी के केपेबिलिटीज अलग उस जमाने में भी मानी जाती थी. दीज डिफरेंसेज आर यूज टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू विमेन, और इन्हीं डिफरेंसेज के बेसिस पे औरतों को दबाया जाता था, राइट? फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, मतलब कैसे छोटे छोटे जिलों से दिल्ली सुल्तान्स ने एम्पायर अपना खड़ा किया, साम्राज्य खड़ा किया. द हिंटरलैंड, यू शुड अंडरस्टैंड वॉट डू मीन बाई हिंटरलैंड, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. सो बेसिकली द वेयर हाउस काइंड ऑफ सिटी, वेयर ऑल द रॉ मटीरियल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टोर्ड विच आर सप्लाइड टू द बिगर सिटीज. हिंटरलैंड ऐसे छोटे छोटे सिटीज हैं, ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर, जहाँ से गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है बड़े बड़े शहरों में. What are garrison towns? A fortified settlement with soldiers. So garrison town is the town where the soldiers live. जहाँ पर soldiers को रखा जाता था उसे garrison town बोलते हैं. In now these definitions are important. Whatever definitions I am sharing with you now, these are important for prelims. ये सब prelims के लिए काफी important है. That is why I am sharing it with you. Okay? तो इसलिए इसको ये मत सोचना कि waste है, इसको लिख लो. In the early 13th century, the control of Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. So till the 13th century, when they started ruling in India, their administration was limited to garrisons only, right? छोटी छोटी जगह तक ही इनकी administration थी, सीमित थी 13वीं century तक. The Sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. Controlling garrison towns in Bengal and Sindh from Delhi was very difficult. Matlab, you know, it means that the expansion was not there in that time period of in the Delhi Sultanate, in the 13th century. 13th century में ना अपने जगह को expand नहीं किया था Delhi Sultans ने. इसलिए एक ही जगह से इतनी दूर दूर तक management फैलाना और करना बहुत ही मुश्किल था. The state was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. Its expansion occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. मतलब इन लोगों के आने से पहले तक तो दिल्ली सल्तनत बिल्कुल ही कमजोर पड़ी हुई थी, पर जैसे ही घियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक शासन में आए, तभी जाकर दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ. The first set of campaigns along with the internal frontier of Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. So this, Alauddin Khalji, Ghiyasuddin Balban, Muhammad Tughlaq, what their strategy was in to expand the Delhi Sultanate, that we are going to consolidate the hinterlands of the garrison towns. We are going to merge them into our kingdom so that we can expand. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab.
in order to establish the settlement. जंगलों को भी खत्म किया गया, काटा गया, ताकि वहां पर भी establishment लाई जा सके. और उन जमीनों को जहां जंगले हटाए गए, उस जमीनों को पेजेंट्स को दे दिया गया एग्रीकल्चर के लिए. Those lands which were where the forest were depleted, those lands were given to peasants and agriculture was encouraged. Okay, remember this. This is the strategy how these later Delhi Sultans expanded their kingdom. ठीक है, कैसे later Delhi Sultans ने अपने kingdom को expand किया, ये strategy थी. The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. मतलब सल्तनत के बाहर भी जो states और cities और districts थे उनको अपने अंदर कब्जे में लाया गया. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khalji only and culminated with Muhammad Tughlaq. The Sultanate also collected taxes from peasantry for usage in the warfares. अब युद्ध लड़ने हैं, बाहर की सीमाओं को अपनी सीमा में मिलाना है, तो पैसे चाहिए होंगे, तो वो taxes भी लेने लगे लोगों से. ओके, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग द आर्किटेक्चर. इन्होंने आर्किटेक्चर डेवलप करना भी शुरू कर दिया. कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड मिनरेट. दीज आर दी मिनरेट्स, ये आप देख रहे हो, ये मिनरेट्स हैं. ओके, ये छोटे छोटे मिनरेट्स हैं और ये पूरा एक मॉस्क है ओवर हेयर, राइट. इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ 12th सेंचुरी. All right, so it was the first, you can say the mosque of the first city built by Delhi Sultanate is described in this picture. Okay, now what is masjid? हमने मस्जिद के बारे में, mosque के बारे में सुना बहुत है, but ये होता क्या है? A mosque is called a masjid in Arabic language. Mosque को ही मस्जिद बोलते हैं Arabic language में, which means a place where Muslim prostrates in reverence to Allah. जहाँ अल्लाह की पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें याद किया जाता है. इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क दैट इज मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स. प्रेयर्स आर नोन एज नमाज. टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर हु इज ऑल्सो नोन एज इमाम. अंडरलाइन दीज वर्ड्स फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर. जैसे हमारे, जैसे हिंदुइज्म में पंडित होता है, हेड पंडित होता है, राइट, जो सब रिचुअल्स करवाता है, ऐसी मॉस्क में इमाम होता है. ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन दैट इज नोन एज द खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर ऑल्सो. एंड ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग द मेक्का. इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, यानी कि इंडिया में मुस्लिम खड़े होते हैं जब प्रेयर के टाइम पे, तो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं. दिस इज कॉल्ड द किबला. अंडरलाइन दिस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स. मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, राइट. When they were expanding their kingdom, they were also constructing mosque in different parts of India. Now the believers shared a belief system and a code of conduct also, right. So to protect, to enforce the sense of protection in the believers, this was done. All right, remember this. Now when we move forward, the consolidation of kingdom as vast as Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. अब इन लोगों को पता था, दिल्ली सुल्तान्स को पता था कि अगर हमें अपने किंगडम को कंसोलिडेट करना है और एक्सपैंड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. अगर हमें अपने किंगडम को कंसोलिडेट करवाना है या एक्सपैंड करवाना है तो हमें एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी, काबिल ऑफिसर्स और गवर्नर्स की जरूरत पड़ेगी. सो दीज दिल्ली सुल्तान्स, द खलजीज एंड द तुगलक्स न्यू दैट इफ वी वॉन्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सपैंड दिल्ली सल्तनत, देन वी विल बी नीडिंग एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड गवर्नर जनरल्स. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. Right? Ab अलग से officers को hire करने से अच्छा इन लोग, इन Delhi sultans को, early Delhi sultans को, जो पहले शुरू शुरू के sultans थे, उनको क्या करना ठीक लगा कि जो हम स्लेव्स, जो हम गुलाम खरीद कर लाए हैं पर्शिया से, जिन्हें बंदगन कहा जाता था, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं. ये हमारे गुलाम हैं और गुलाम उस टाइम पे बहुत लॉयल हुआ करते थे, तो ये हमें कभी धोखा नहीं देंगे. दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर ओनली, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाय अपॉन देम बिकॉज दे वर परचेस्ड बाय द सुल्तान ओनली, सो दे वर लॉयल टुवर्ड्स द सुल्तान, सो सुल्तान ट्रस्टेड देम. Now the Khaljis and the Tughlaqs continued to use bandagan. Bandagans were the slaves.
and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. Who is a client? Client is someone who is under the protection of another, dependent on hanger on, right? So client bhi wo hota tha jo sultan pe dependent hota tha. However, this also introduced an element of political instability. The slaves and clients were loyal to sultans, but not to their heirs. New sultans had their own servants, right? So as a result of accession of new monarch, often saw conflict between the old and the new nobility. वो तो क्या था? एक सुल्तान की डेथ हुई, उसका बेटा आया पोजीशन पे. अब जो स्लेव था वो तो उस सुल्तान का ही लॉयल था, तो वो इस नए राजा के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाता था. तो इसी चीज को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाकर दिक्कत आने लगी. Like the earlier sultans, the Khalji, the Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of different sizes. And these lands were called Ikta, and the owner of the lands or holder of the land was known as Iktidar or Mukti. This is important for prelims. Ye aapke prelims ke liye important hai. The duty of Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas, in their lands. अपने एरिया में, अपनी जमीन में law and order की situation maintain करने का जिम्मा इन Muktis का था. In exchange of their military services, Muktis collected revenues of their assignment as salary, and they also paid their soldiers, right? These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji. Care was taken that Mukti collected only the tax prescribed by the state and not any extra money. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. Alauddin Khalji ka jab time period aaya, to jo collection of land revenue tha, right, is sabhi ko Alauddin Khalji ne apne control mein le liya, kyunki use Muktis pe ab bharosa nahi raha tha. The rights of the local chieftains to levy taxes was cancelled and they were also forced to pay taxes. Ab jo local jo chief log hua karte the, jo bade bade munim ya fir aap keh sakte ho traders hua karte the, unse bhi tax liya jane laga. Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. And there were three types of taxes in his time period. Unke time period mein teen tarike ke taxes the. First, on the cultivation called kharja. Tax ka naam kya tha? The tax's name was kharja. And amounting to about 50% of peasants produce. Jo bhi jo farmer hai produce karta tha, uska 50% kharja usse dena padta tha. On cattle, cattle pe bhi tax tha. And on houses, house tax bhi tha. Then came the Mughal Empire. Mughal Empire was the most famous one. Now let's answer the question, who were the Mughals? Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they came from Genghis Khan and ruler of the Mongol tribes, China and Central Asia. But from their father's side, they were the successors of Timur, the ruler of Iran. Right? तो ये मंगोल ट्राइब जो चाइना और सेंट्रल एशिया में था, और ईरान और इराक जो थे, मॉडर्न डे टर्की जो थे, वहां के लोगों के बीच में शादी हुई और वहीं से ये मुगल्स का आप कह सकते हो स्टार्टिंग हुई. द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. Right? This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. The Mughals did not like to get associated with Genghis Khan. Genghis Khan se associate hona ya taluk rakhna inko pasand nahi tha. Kyunki Genghis Khan jo tha, wo bahut hi merciless aadmi tha. Bahut hi large scale, bina wajah usne logo ko mara tha. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. So this is the timeline which you have to make. इसको आप अपने register में, you can make it in your register, अपने notebook में या register में इसको बना लो. This timeline is important, okay? After Aurangzeb, the Mughals which came were known as later Mughals. Aurangzeb के बाद जितने भी Mughals आए, उन्हें later Mughals कहा जाता था. Mughals belonged to a branch of Turks called Chagatai, which is named after the second son of Genghis Khan. Foundation of Mughal Empire in India was laid by Babur, who was a Chagatai Turk. Underline this. मुगल एम्पायर की फाउंडेशन भारत में किसने रखी? बाबर ने. बाबर वाज आल्सो नोन एज जहरुद्दीन मोहम्मद. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ही इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. ही वाज डिसेंडेंट ऑफ तीमुर एंड गेंजिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज जहरुद्दीन मोहम्मद. 11 साल की एज में वो फरगना के रूलर बन गए, जो कि चाइनीज तुर्किस्तान में है अभी. दौलत खान बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर थे पंजाब के, who was discontented with Ibrahim Lodi and he invited Babur to invade India. दौलत खान जो थे उनको इंसल्ट किया था इब्राहिम लोदी ने, और बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड रहते थे इब्राहिम लोदी से, इसलिए उन्होंने बाबर से कहा कि आप आए और भारत में भारत को अपने अधीन करें. He undertook four expeditions to India in order to conquer India between 1519 and 1523.
Babur was the first Mughal emperor who succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was just 11 years of age. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, which is known as the Uzbeks. So Mughals also used to hate Uzbeks. Now, when we talk about Babur, he defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. And in 1527, he defeated Rana Sanga also, who was a Rajput ruler. In 1528, he defeated the Rajputs at Chanderi and he established control over Agra and Delhi before his death. Then came Humayun. Uske baad aaye aapke Humayun. Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. अपने father के ही will के हिसाब से उन्होंने अपने जो inheritance जो राज्यभार इनको मिला था उसे divide किया. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors, and Sher Khan defeated Humayun at Chausa and Kannauj. ऐसा कहा जाता है कि इनके खुद के भाई ने इनको दगा दी थी. In Iran, Humayun received help from Safavid Shah and he recaptured Delhi in 1555. But then he died next year after an accident in his own building. मतलब एक साल ही राज कर पाए और फिर इनकी मृत्यु हो गई. Then came Akbar. He was just 13 years old of age when he became the emperor. And Akbar became independent of the regent Bairam Khan. Bairam Khan जब वो छोटे थे ना अकबर तब Bairam Khan नाम का minister इनको अपनी उंगलियों पे इशारों पे चलाता था. बट जब 1556 के बाद 1556 से 1570 के पीरियड में अकबर बैरम खान के अंडर नहीं रहने लगे. अब अकबर बैरम खान के अगेंस्ट जाकर अपने डिसीजंस लिया करते थे. मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स बाय अकबर राइट. देन 1570 टू 1585 मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च बाय अकबर इन गुजरात. दे वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार बंगाल एंड ओडिशा ऑल्सो. Then came 1585 to 1605, where expansion of Akbar's empire happened, right? Then came Aurangzeb, the most cruel king. Aurangzeb bahut hi cruel the. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from Marathas and Deccan Sultanate. And he finally fled to Safavid Iran. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Aurangzeb never liked the Marathas or the Sikhs. कभी भी औरंगजेब ने मराठास और सिक्स को पसंद नहीं किया. उनके अगेंस्ट ही रहते थे. जहां हो सके उनमें मरवाने की कोशिश करते थे. His death was followed by a succession conflict amongst his own sons. Then these are important terms which you should know when it comes to the Mughal Empire. Mansabdars and Jagirs or Jagirdars. The term Mansabdar referred to an individual who holds a Mansab. Mansab means position. कोई पोजीशन या कोई रैंक जो होती है उसे मनसब कहते हैं. ओके रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मनसब मींस अ पोजीशन, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक. एंड इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम. मनसब जो हुआ करता था वो एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स यूज करते थे रैंक फिक्स करने के लिए, सैलरी फिक्स करने के लिए, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने के लिए. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच वाज नोन एज जात. The higher the zat, the more prestigious was the noble's position. यानी कि जितनी ज्यादा आपकी ऊंची जात होगी उतनी ज्यादा ऊंची आपकी पोजीशन होगी और उतनी ज्यादा बढ़िया आपकी सैलरी होगी. मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन और दी सोल्जर्स यू कैन से. मनसबदार ब्रॉट हिज सोल्जर्स फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम सैलरी फ्रॉम द किंग. Okay, this is very very important. And the mansabdars used to get revenue assignments known as jagirs, which were somewhat like iktas only. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. So their administrative areas were known as jagirs. Mansabdars ko jo administer karne ke liye, manage karne ke liye area milta tha, usse hum jagir bolte the. They only had rights to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants. Okay, so remember this. Now, what were zabt and zamindar? The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of peasantry. Okay, so the Mughals used one term zamindars to describe all the intermediaries. Farmers se tax leke raja ko submit karne ka kaam zamindars ka hua karta tha. Remember this. Okay, and this revenue system was known as zabt. Akbar-e-Nama, this is again important. Now, when we talk about Akbar-e-Nama, Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. So, Abul Fazl ne aine Akbar-e-Nama likha. Unhone Akbar-nama likha. Remember, for prelims, it is important who wrote Akbar-nama.
It was Abul Fazl. The first volume dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded events of Akbar's reign. The third volume is in the N.A. Akbari, which deals with Akbar's administration also. Then we can see the Noor Jahan's influence in Jahangir's court. Akbar ke baad jab Jahangir aaye, to Mehru Nisa married the Emperor Jahangir in 1611 and she received this title Noor Jahan. She remained very loyal and supportive of the king. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other side the inscription was the name of Queen Begum Noor Jahan. Alright, remember this. While Akbar was at Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussions on religion with ulama. Ulamas were the priest head or head of the priest. Jo panditon ke head hote hain, aise hi wahan par jo priest ke head the, wo ulamas the. Okay? Now Akbar was a secular king. Akbar jo the, wo most secular king ke naam se jaane jaate the. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who focused on ritual were often by gods. Let us understand the engineering skills and construction at the time period of Akbar. Aap dekh sakte hain idhar screen pe, you can see this type of structure was built in the time period of Akbar. Is tarike ka structure, Taj Mahal, if you have seen, you must have seen this type of structure, right? Is tarike ka structure bana hota tha. So, as you can see, monuments provide an insight into the technologies which were used for construction at that time. So, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room. So, between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roof, door, windows were still made by placing a horizontal beam across two pillars. Right? So, इधर आप देख सकते हो इस तरीके की बाउली टाइप बनाया, आर्क टाइप स्ट्रक्चर या बाउली टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता था टू ब्यूटिफाई द स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. इफ यू रियली एंजॉयड द क्लास, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.